सन 1684 में नेचर ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स पर चर्चा करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने इकट्ठा होने का फैसला किया। उनमें से दो खगोलशास्त्री रॉबर्ट हुक और एडमोंड हैली थे, जो डच खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजंस द्वारा प्रस्तावित मौजूदा सिद्धांत पर संदेह रखते थे। चर्चा के दौरान हेली ने आइजेक न्यूटन द्वारा विकसित एक नई गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी के बारे में सुना, जो उसे प्लेनेटरी ऑर्बिट्स की शेप समझने में मदद कर सकती थी। हेली इसमें रुचि दिखाने लगे और न्यूटन से अधिक जानकारी लेना चाहा। न्यूटन के मैनुस्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद हेली उसकी महत्वपूर्णता को समझ गए और उन्होंने उसे प्रकाशित करने का सुझाव दिया। न्यूटन प्रकाशित करने से हिचकिचाए, क्योंकि वह निश्चित नहीं थे कि उनके विचार सबके सामने रखने के लिए तैयार हैं या नहीं। लेकिन हेली ने न्यूटन के काम के प्रभाव को देखते हुए पब्लिकेशन के खर्च को अपने ऊपर लेने का सौदा किया। न्यूटन ने सहमति दे दी और 1687 में फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, आमतौर पर प्रिंसिपिया के नाम से जाना जाता है, प्रकाशित हुआ, जो भौतिकी विज्ञान और खगोल विज्ञान के क्षेत्र को क्रांति लाने वाली थी। दिलचस्पी की बात यह है कि हेली की शामिलता न्यूटन के काम को प्रकाशित करने में उन्होंने दूसरे वैज्ञानिकों के साथ प्लेनेटरी ऑर्बिट्स की शेप पर लगाए गए एक शर्त पर की गई थी। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि हेली भी अपने आप में एक बेहतरीन खगोल विज्ञानी थे और शर्त के पहले ही न्यूटन के विचारों की सिग्निफिकेंस को समझ गए थे। प्रिंसिपिया के प्रकाशन से न्यूटन ने इतिहास में सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक के रूप में अपनी जगह मजबूत की और हेली का न्यूटन के काम को समझने में मदद करने के लिए सामाजिक रूप से प्रकाशित होना भी उसे वैज्ञानिक इतिहास के पाठशाला में एक अलग जगह दिलाता है। आइजेक न्यूटन एक अंग्रेजी भौतिकविद और गणितज्ञ थे, जिन्हें विश्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। इंग्लैंड के वुल्सथॉर्प में 1642 में जन्मे न्यूटन बड़े बदलाव और वैज्ञानिक क्रांति के दौर में पले। बचपन में उन्हें दुनिया के बाहर के चीजों से काफी रुचि थी। उन्हें प्रकृति का अध्ययन करने और अलग अलग वस्तुओं पर प्रयोग करने का बहुत शौक था, जिससे आखिरकार उन्हें इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बनने में मदद मिली। वे ज्यादातर भौतिकी और गणित के क्षेत्रों में अपने योगदानों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उनके लॉज ऑफ मोशन यानी के गति के कानून और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी यानी के गुरुत्वाकर्षण की सिद्धांत के विकास शामिल हैं। आइजेक न्यूटन क्रिसमस डे को प्रीमैच्योरली पैदा हुए थे और उनकी शुरुआती वर्षों में उनकी सर्वाइवल डाउटफुल थी। उनका जन्म उनकी ड्यू डेट से पहले हुआ था, जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। ऐतिहासिक रिकॉर्डों के अनुसार वे इतने छोटे और कमजोर थे कि उनके बचने की उम्मीद कम थी। दरअसल उनकी मां ने बताया था कि वे इतने छोटे थे कि एक क्वार्ट मग में बैठ जाते थे। क्वार्ट मग एक प्रकार का मेसन जार मग होता है, जो 0.9 लीटर तक तरल रख सकता है। हालांकि यह कोई नहीं जानता कि न्यूटन ने शुरुआती वर्षों में कौन से स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया, लेकिन वे एक स्वस्थ और सक्रिय बच्चे के रूप में बड़े हुए। उनकी जीवन की अस्थिर शुरुआत के बावजूद वे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक बने और फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए। वे अपनी दादी द्वारा इंग्लैंड के एक टाउन ग्रैंथम में पले बढ़े थे और किंग्स स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी की थी, जहां उन्होंने गणित में उत्कृष्टता प्रदर्शित की। 1661 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में उनका दाखिला हुआ, जहां उन्होंने गणित का अध्ययन किया और नेचुरल फिलॉसफी में रुचि विकसित की। जब न्यूटन ट्रिनिटी कॉलेज के छात्र थे, उस समय पूरे यूरोप में एक भयानक ब्यूबोनिक प्लेग आउटब्रेक हुआ था। द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, जो 1665 से 1666 में शहर में आई थी और उनमें से एक था जिसमें सबसे ज्यादा मौतें हुई थीं। ग्रेट प्लेग के दौरान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी और न्यूटन अपने परिवार के एस्टेट में वापस चले गए,
जहां उन्होंने अपने वैज्ञानिक और गणितीय सिद्धांतों पर काफी समय बिताया। इस दौरान ही उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोजों में, जिसमें लॉ ऑफ मोशन और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी शामिल था, का खोज किया। महामारी के प्रकोप ने न्यूटन के जीवन और काम पर गहरा प्रभाव डाला। यूनिवर्सिटी बंद होने के कारण उन्हें अपने अध्ययन और अनुसंधान को अपने आप पर जारी रखना पड़ा, उनके प्रोफेसरों के मार्गदर्शन या यूनिवर्सिटी के संसाधनों के पहुंच के बिना। हालांकि हो सकता है इस अकेलेपन और उनके काम पर गहरी ध्यान उनकी वैज्ञानिक खोजों पर अहम भूमिका निभाया हो। कैम्ब्रिज के उस दौर में न्यूटन ने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया, जो आज भी फिजिक्स और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उपयोग में आता है। आइजक न्यूटन को कैलकुलस का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, साथ ही जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रेड लाइबनिस को भी। कैलकुलस एक ऐसी गणित शाखा है जो रेट्स ऑफ चेंज और समय के साथ चीजें कैसे बदलती हैं से संबंधित है। यह भौतिकी, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर साइंस जैसे कई क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। न्यूटन ने अपने खुद के कैलकुलस प्रणाली विकसित किए थे, जिसे वह फ्लक्शंस कहते थे। यह प्रणाली मोमेंटम या फ्लक्स की विचारधारा पर आधारित एक ऐसी कॉन्सेप्ट जो किसी फंक्शन की रेट्स ऑफ चेंज होती है। फ्लक्शंस एक फंक्शन के परिवर्तन की तात्कालिक दर की गणना करने के लिए एक विधि थी। फ्लक्शंस के विकास के अलावा न्यूटन ने कैलकुलस के मौलिक सिद्धांत का विकास भी किया। इस सिद्धांत में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच का संबंध बताया गया है, जो कैलकुलस के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी फंक्शन का इंटीग्रल उसके डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव होता है। यह वाक्यांश गणित के कैलकुलस के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से दो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच के संबंध को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि किसी फंक्शन का समाकलन उसके विभेदक का उल्टा होता है। एक उदाहरण के रूप में, यदि हम फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो हमें f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू x मिलेगा। फिर अंतिम उत्तर को इंटीग्रेट करके हम f ऑफ x इक्वल्स x स्क्वायर प्लस c प्राप्त करेंगे, जहां c कुछ भी संख्या हो सकती है जो उल्टे अंतर को संभव बनाती है। दूसरे शब्दों में, टेंजेंट रेखा का ढलाव f ऑफ x के ग्राफ पर x के किसी भी बिंदु पर 2x के बराबर होता है। न्यूटन ने अपने कैलकुलस में जिस समीकरण का उपयोग किया था, वह डिफरेंशिएशन के लिए प्रतीक था, जिसे dy by dx द्वारा दर्शाया जाता है। यह प्रतीक किसी फंक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को दर्शाता है। यह एक विशेष बिंदु पर कर्व की ढाल की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो समय के साथ फंक्शन के व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक है। आइजक न्यूटन न केवल एक गणितज्ञ और भौतिकविद थे, बल्कि उन्हें ऑप्टिक्स और लाइट पर भी रुचि थी। प्रकाश की प्रकृति के बारे में उनकी जिज्ञासा ने उन्हें ऐसे प्रयोगों को करने के लिए प्रेरित किया, जिनसे सफेद प्रकाश के रंगों का स्पेक्ट्रम खोजा जा सकता है। न्यूटन ने देखा कि सफेद प्रकाश को प्रिज्म के माध्यम से पारित करके रंगों के इंद्रधनुष में तोड़ा जा सकता है, जिसे उन्होंने स्पेक्ट्रम नाम दिया। उनके प्रयोगों में न्यूटन ने साबित किया कि एक प्रिज्म सफेद प्रकाश को तोड़ देता है और इसे डिफरेंट वेवलेंथ वाले रेनबो ऑफ कलर्स में अलग करता है। उन्होंने देखा कि स्पेक्ट्रम में रंग एक विशेष क्रम में दिखाई देते हैं, जिसमें लाल रंग सबसे लंबी लंबाई वाला होता है और वायलेट सबसे छोटी लंबाई वाला। न्यूटन ने यह भी पाया कि स्पेक्ट्रम में रंगों को एक लेंस के माध्यम से पारित करके फिर से सफेद प्रकाश बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। ऑप्टिक्स की स्टडी में न्यूटन की खोज ग्राउंड ब्रेकिंग थी, लाइट और कलर के स्टडी में इसे एक फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा।
उनकी रोशनी के प्रकृति के बारे में उत्सुकता ने उन्हें ऐसे प्रयोगों को करने के लिए प्रेरित किया जिससे सफेद रोशनी के स्पेक्ट्रम की खोज हुई। आज उनके प्रिज्म एक्सपेरिमेंट का उपयोग अभी भी दुनिया भर की कक्षाओं में प्रकाश और रंग के सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। फिजिक्स में न्यूटन की सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक उनके द्वारा गति के नियमों का विकास था। उनकी पुस्तक मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी में न्यूटन ने गति में विभिन्न वस्तुओं के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले तीन गति के नियमों का वर्णन किया था। ये नियम वस्तुओं के गतिमान और उनके आपसी प्रभाव को वर्णित करते हैं और आज भी इन्हें इंजीनियरिंग से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक में हर जगह उपयोग किया जाता है। लेकिन न्यूटन के इन नियमों को खोजने की यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक अन्य वैज्ञानिकों की रचनाओं का अध्ययन किया और अपने अध्ययनों की मदद से इस दुनिया और ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की। पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे अभिलंब का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, यह कहता है कि एक ठहरा हुआ वस्तु ठहरी रहेगी और एक गतिशील वस्तु गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी बल प्रभाव न डाले। द लॉ ऑफ इनर्शिया आमतौर पर एक समीकरण के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता, बल्कि यह एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स इन मोशन के व्यवहार का वर्णन करता है। हालांकि द लॉ ऑफ इनर्शिया को न्यूटन के गति के दूसरे नियम का उपयोग करके गणितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, जो किसी वस्तु पर लागू नेट फोर्स को उसके एक्सेलरेशन से संबंधित करता है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो समीकरण फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू एम ए इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि किसी वस्तु पर नेट फोर्स शून्य है तो न्यूटन के लॉ ऑफ इनर्शिया के अनुसार वह या तो ठहरी रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी यानी के एक स्थिर वेग पर आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए अगर किसी वस्तु पर नेट फोर्स शून्य होता है यानी एफ बराबर शून्य, तो उस वस्तु का एक्सेलरेशन भी शून्य होगा। इसलिए अगर वस्तु शुरू में ठहरी हुई थी तो वह ठहरी हुई रहेगी, यदि वह पहले से ही ठहरी हुई थी या निरंतर गति से आगे बढ़ती रहेगी, यदि वह पहले से ही गति में थी जैसा कि लॉ ऑफ इनर्शिया के अनुसार डिस्क्राइब किया जाता है। दूसरा नियम जिसे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहा जाता है बताता है कि एक वस्तु पर प्रभावित होने वाला बल उसके मास से गुणा किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप होने वाली एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यानी ऑब्जेक्ट पर प्रभावित हो रहे बल के आधार पर एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। तीसरा नियम जिसे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन यानी के क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जाना जाता है, इस नियम के अंतर्गत हर क्रिया के लिए एक बराबर और उलट प्रतिक्रिया होती है। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से प्रभावित होती हैं, जैसे कि एक टक्कर या विस्फोट में, तो सिस्टम की टोटल मोमेंटम संरक्षित होगी। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर जो बल लगाती हैं वे परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होंगी। दूसरे शब्दों में यदि एक वस्तु मोमेंटम प्राप्त करती है तो दूसरी वस्तु उसी मात्रा का मोमेंटम विपरीत दिशा में खो देगी। तीसरे नियम को गणितीय रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है एफ वन इज इक्वल टू माइनस एफ टू, जहां एफ वन ऑब्जेक्ट टू पर ऑब्जेक्ट वन द्वारा लगाया गया बल है, जबकि एफ टू ऑब्जेक्ट टू द्वारा ऑब्जेक्ट वन पर बल लगाया गया बल है। माइनस चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि दो बलों की ताकत मात्रा में बराबर होती है लेकिन उल्टी दिशा में होती है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत फिजिक्स के क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता थी। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं आपस में आकर्षित होती हैं, जिसकी शक्ति उनके मास और उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिशत के समानुपातिक होती है। इस आकर्षण की शक्ति उनके मास के साथ संबंधित होती है, जिसका मतलब है ज्यादा मास वाली वस्तु में ज्यादा आकर्षण होगा।
इसके अलावा वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिशत के अनुपात में आकर्षण की शक्ति घटती है, जिसका मतलब है ज्यादा दूरी पर वस्तुओं के बीच कम आकर्षण होगा। आइजैक न्यूटन के थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को मैथमेटिकली इस तरह व्यक्त किया जाता है, जहां F दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का बल है, M1 और M2 दो वस्तुओं के मास हैं, R दो वस्तुओं के मास के केंद्रों के बीच की दूरी है और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। R में वर्ग इंगित करता है कि दूरी वर्गीकृत यानी के स्क्वेर्ड है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका प्रतीक G है, एक यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जो ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की मजबूती पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी मान अप्रोक्सीमेटली 6.674×10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेर्ड पर किलोग्राम स्क्वेर्ड के आसपास होती है। इस समीकरण को इनवर्स स्क्वेर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति दो वस्तुओं के केंद्र मास की दूरी के वर्ग के उलट प्रतिशत के अनुपात में होती है। यह समीकरण सेलेस्टियल मैकेनिक्स के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है, क्योंकि इसके माध्यम से वैज्ञानिक दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे ग्रह या तारों के बीच और उनकी गति और ऑर्बिट्स। इस सिद्धांत ने समझाया कि हमारे सौर मंडल में ग्रह सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं, और इसने वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में वस्तुओं के व्यवहार को समझने में मदद की। न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी दो भारी वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल की कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसके अनुसार दो वस्तुओं के बीच की शक्ति उनके मास से प्रोपोर्शनल होती है और उनके बीच की दूरी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यह कॉन्सेप्ट हमारे सौर मंडल में सेलेस्टियल बॉडीज की गतियों की स्पष्टीकरण में अच्छी तरह से काम करती है। हालांकि 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में विकसित आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी गुरुत्वाकर्षण के बिहेवियर को अधिक सटीक रूप से डिस्क्राइब करती है। इसके अनुसार गुरुत्वाकर्षण एक बल नहीं है, बल्कि मास और एनर्जी की मौजूदगी के कारण कर्वेचर ऑफ स्पेसटाइम का नतीजा है। दूसरे शब्दों में, मान और ऊर्जा वाले वस्तुएं स्पेसटाइम की गति को मोड़ती हैं, और इस मोड़ के प्रभाव में दूसरी वस्तुओं का रास्ता प्रभावित होता है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण जनरल रिलेटिविटी के अनुसार काम करता है, वह न्यूटन द्वारा वर्णित तरीके से मौलिक रूप से अलग है। न्यूटन का सिद्धांत ज्यादातर मामलों के लिए एक अच्छा अनुमान है, लेकिन कुछ घटनाओं का हिसाब देने में असफल हो जाता है, जैसे कि समय के साथ मरकरी की इलिप्टिकल ऑर्बिट और गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, जिसे केवल जनरल रिलेटिविटी द्वारा समझाया जा सकता है। आइजैक न्यूटन, जिन्हें महान वैज्ञानिकों में से एक माना जाता था, 1652 में अपने वैज्ञानिक करियर के दौरान उन्हें एक मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। नर्वस ब्रेकडाउन, एक इंटेंस मेंटल और इमोशनल कंडीशन जिसमें इंसान की सोच और समझ बेकार हो जाती है, का सामना करना पड़ा, जिससे वो काफी टूट गए। न्यूटन के स्ट्रेसफुल लाइफ के पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं, यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह माना जाता है कि कई फैक्टर्स में से एक कारक उनके कुछ ही करीबी दोस्तों के संबंधों के खुलासे का था। वो बाय नेचर सॉलिटरी फिगर थे और उन्होंने फेलो साइंटिस्ट जॉन लॉक के साथ एक गहरा संबंध विकसित किया था। हालांकि दोनों में तकरार हो गई थी और इस मित्रता के नष्ट होने का न्यूटन के मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा माना जाता है कि न्यूटन को रासायनिक विज्ञान में उनके प्रयोगों के परिणामस्वरूप मरकरी पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। उस समय रासायनिक विज्ञान में रसायन शास्त्र एक लोकप्रिय प्रयास था, लेकिन यह खतरनाक भी था। विशेष रूप से पारा का उपयोग न्यूटन के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता था। हालांकि उनके टूटने का सटीक कारण अज्ञात होने के बावजूद
यह गंभीर और लंबे समय तक रहा। न्यूटन ने वैज्ञानिक खोज करने बंद कर दिए और ऐसा लगता था कि उनके दिन इस क्षेत्र में खत्म हो गए हैं। हालांकि वह प्रभावशाली बने रहे और उनका काम आने वाली शताब्दियों तक वैज्ञानिकों और गणितज्ञों को प्रेरित करता रहा। न्यूटन के टूटे हुए मनोवैज्ञानिकी की कहानी हमें याद दिलाती है कि महानतम मस्तिष्कों को भी मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह भी दिखाती है कि न्यूटन जैसे वास्तविक उज्ज्वल वैज्ञानिकों का काम समय की परीक्षा को सहन कर सकता है और उनकी प्रेरणा पीढ़ियों को लंबे समय तक प्रेरित कर सकती है। आइजक न्यूटन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की वेतन पर वर्षों बिताने के बाद 1696 में लंदन के मिंट के वार्डन के रूप में नियुक्त किए गए। हालांकि यह नौकरी आसान और कम महत्वपूर्ण थी, लेकिन न्यूटन ने इसे पूरी दृष्टि और ऊर्जा से संभाला। उन्हें मिंट के मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया और अंग्रेजी मुद्रा के पुनर्गठन की देखरेख, गोल्ड स्टैंडर्ड स्थापित करने और सुधारी गई छोटे सिक्के शुरू किए, जिससे काउंटरफीट कॉइन्स बनाना और मुश्किल हो गया। उन्होंने जालसाजों को पकड़ने, गुप्त रूप से ऐसा करने के लिए सूचना नेटवर्क स्थापित करने को भी अपना मिशन बनाया। न्यूटन की विशेषता के प्रति ध्यान और अपराधियों को पकड़ने की उत्साह ने उन्हें उत्तीर्णवादी भूमिका में सफल बना दिया और वे अपराधियों की फांसी को देखने का आनंद भी लेते थे। अपनी पेशेवर सफलताओं के बावजूद न्यूटन को उनके साथियों द्वारा अच्छी तरह से पसंद नहीं किया गया था। उनके कुछ ही करीबी दोस्त थे। उन्होंने जर्मन वैज्ञानिक गॉटफ्रीड लेबनिज के साथ कैलकुलस के इन्वेंशन पर तीव्र मतभेद किया। इस विवाद ने यूरोपीय गणित में एक विभाजन पैदा किया जो एक शताब्दी तक चला। झगड़ा मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित था कि कैलकुलस का आविष्कार पहले किसने किया। दोनों महान वैज्ञानिक थे और दोनों ने कैलकुलस के विकास में बराबर योगदान दिए थे, लेकिन उनके पास अलग अलग तरीके और नोटेशन थे, जिसके कारण प्राथमिकता और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर कड़वा विवाद हुआ। हालांकि न्यूटन का व्यक्तित्व कठोर हो सकता था, लेकिन उनके योगदान इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था और न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण थे। गॉटफ्रीड विलहेल्म लाइबनिस एक जर्मन गणितज्ञ और दार्शनिक थे, जिन्होंने 17वीं सदी के अंत में इंडिपेंडेंटली कैलकुलस की डेवलपमेंट की। कैलकुलस पर उनका काम आइजैक न्यूटन के समानांतर किया गया था, जिससे एक ऐतिहासिक विवाद हुआ कि कैलकुलस के प्राथमिक आविष्कारक के रूप में किसे श्रेय दिया जाना चाहिए। लाइबनिज ने डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने महत्वपूर्ण संकेतों को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि अवकलन और समाग्रीकरण, जो आज भी व्यापक रूप से प्रयोग होते हैं। उन्होंने एक प्रतीकी नोटेशन विकसित की, जिसमें इंटीग्रल संकेत और अवकलनियों डेरिवेटिव्स के लिए डीडीएक्स संकेतिका शामिल थे, जो कैलकुलस को अधिक सुलभ और संचालनीय बनाया। लाइबनिज की क्यूबिकीय संख्या कैलकुलस की नजर में बेहद छोटे मात्राओं, इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटीज और डिफरेंशियल डिफरेंशियल्स के उपयोग को जोर दिया। उन्होंने कैलकुलस को एक व्यवस्थित तरीके से छोटे बदलावों और ढालों, क्षेत्रों और परिवर्तन दरों के हिसाब की मान्यता दी। लाइबनिज ने गणितीय संकेतों और नोटेशन में भी प्रगति की, जिनसे गणितीय विचारों की क्लैरिटी और अभिव्यक्ति में सुधार हुआ। आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड विलहेम लाइबनिज के बीच कैलकुलस की आविष्कार पर एक ऐतिहासिक विवाद थी, जिसे कैलकुलस प्राथमिकता विवाद, कैलकुलस प्रायोरिटी डिस्प्यूट या कैलकुलस विवाद, कैलकुलस कंट्रोवर्सी कहा जाता है। आइजैक न्यूटन ने दरअसल 1660 के दशक के अंत और 1670 के प्रारंभ में अपनी कैलकुलस विधियों का विकास किया था। उन्होंने एक ज्यामितीय दृष्टिकोण का उपयोग किया और लिमिट्स और इन्फिनिटेसिमल्स के आदान प्रदान की विचारधारा पर आधारित अपनी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की अवधारणाओं का विकास किया। हालांकि न्यूटन अपने काम के बारे में गोपनीयता बनाए रखने के कारण अपने खोज को बहुत बाद में प्रकाशित किया, जिससे विवाद बढ़ा।
दूसरी ओर गोटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज ने 1670 के दशक में कैलकुलस पर काम शुरू किया। उन्होंने एलजेब्रिक और सिंबॉलिक मेथड से कैलकुलस का अध्ययन किया, जहां उन्होंने डिफरेंशियल्स के उपयोग को महत्व दिया और इंटीग्रल साइन और डी बाई डी एक्स के निर्माण की अवधारणा को प्रस्तुत किया। लिबनिस ने कैलकुलस पर अपना काम प्रकाशित किया और इसे व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ बनाया। न्यूटन और लाइबनिज दोनों ने अलग अलग तरीकों से 17वीं शताब्दी में कैलकुलस का विकास किया, लेकिन उनके दृष्टिकोण और संकेतन भिन्न थे। विवाद इसलिए उठा क्योंकि न्यूटन और लाइबनिज दोनों दावा कर रहे थे कि दोनों ने इंडिपेंडेंटली कैलकुलस का विकास किया है और एक दूसरे को चोरी प्लेजरिज्म यानी के साहित्यिक चोरी करने का आरोप लगा रहे थे। वाद उस पर केंद्रित हुआ कि किसकी प्राथमिकता थी कैलकुलस की खोज में और क्या एक व्यक्ति ने दूसरे को प्रभावित किया था। विवाद तब और तेज हो गया जब रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जिसके न्यूटन एक सदस्य थे, ने लिबनिस पर न्यूटन के विचारों को चुराने का आरोप लगाया। यह विवाद कड़वा हो गया और कई वर्षों तक खींचा गया, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में गणितज्ञों और वैज्ञानिकों के बीच विभाजन हुआ। इस विवाद का विभिन्न देशों में कैलकुलस की धारणा और विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ा। न्यूटन की नोटेशन लीबनिस की नोटेशन के तुलना में कम व्यापक रूप से प्रचलित हुई थी। लीबनिस नोटेशन को और सहज और लचीला माना गया, जिससे कैलकुलस अभिव्यक्ति के सुविधाजनक बदलाव और व्याख्या होने में आसानी हुई। आधुनिक गणित में लीबनिस नोटेशन कैलकुलस के लिए प्रमुख नोटेशन है और यह स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अवकाश और समांतर रूप में सिखाया जाता है। न्यूटन और लिबनिस कैलकुलस के आविष्कार में दोनों श्रेय के हकदार हैं, भले ही इसका आविष्कार पहले इनमें से किसी ने भी किया हो। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कैलकुलस में न्यूटन और लिबनिस द्वारा विकसित अभिनव विचारों और विधियों ने गणित की हमारी समझ में क्रांति ला दी है और अनगिनत वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। उनके काम ने अन्वेषण के नए रास्ते खोले, जिससे हमें जटिल समस्याओं को हल करने, प्राकृतिक घटनाओं को मॉडल करने और सटीक भविष्यवाणियां करने में सक्षम बनाया। हम न्यूटन और लिबनिस के असाधारण योगदान के लिए आभार के ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने मानव ज्ञान की प्रगति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियां वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और गणितज्ञों की पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं, आने वाली शताब्दियों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम को आकार देती हैं। गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिस का निधन 14 नवंबर 1716 को हनोवर में हुआ, जो अब वर्तमान जर्मनी का हिस्सा है। भौतिक शास्त्र और गणित के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजक न्यूटन 84 वर्ष की उम्र में 31 मार्च 1727 को लंदन, इंग्लैंड में उनका निधन हो गया। उनकी उच्च आयु के बावजूद उनका पेशेवर जीवन अभी भी कार्यक्षेत्र में था। न्यूटन की मृत्यु के समय वे रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, जो दुनिया की सबसे पुरानी वैज्ञानिक संस्था है। उन्हें 1703 में इस पद पर निर्वाचित किया गया था और वे अपने निधन तक इस पद पर रहे। अपने कार्यकाल में वैज्ञानिक समुदाय को महत्वपूर्ण योगदान करते रहे। रॉयल सोसाइटी के अलावा न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। आइजक न्यूटन के जीवन भर में उनकी वैज्ञानिक और गणितीय विरासत ने दुनिया पर एक दीर्घकालिक प्रभाव डाला है। उनके लॉज ऑफ मोशन और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी आज भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग में लाए जाते हैं और उनके कैलकुलस के विकास ने गणित और इंजीनियरिंग पर गहरा प्रभाव डाला है। न्यूटन को विज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक के रूप में याद किया जाता है और फिजिक्स के क्षेत्र में एक ट्रू पायोनियर के रूप में उनकी पहचान है।